पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज भारत की जनता और भारतीय नेता हमारी बीजेपी से सब असंतुष्ट हैं, कोई भी संतुष्ट नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारी जनता। जनता नेताओं को बनाती है, जनता सरकार को बनाती है, सरकार फिर जनता को चलाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार को बनाती तो जनता ही है। आज अच्छे प्रशासन के लिए, अच्छी सरकार बैठाने के लिए, सबको संतुष्ट होने के लिए ज़रूरी है कि जनता अपना सोच बदले। आज जनता नौकर हो गई, सरकार मालिक हो गई। वास्तविकता ये है, सरकार नौकर है और जनता मालिक है। ऐसा इसलिए हुआ कि हम धर्मों में बढ़ गए, हम जातियों में बढ़ गए। ये सब का कारण हुआ कि हम अच्छे लोगों को चुन ही नहीं पाते। अच्छे लोग सरकार में ना आने के कारण सब चीज़ें पैदा हो रही हैं। आज जनता को चाहिए वो सुधरे और ये धार्मिक जातिवाद, रहीसी, गरीबी और लालच छोड़कर अपने दीन ईमान के साथ अपने सही लोगों को इलेक्शन में खड़ा करें और सब लोगों को चुने, तभी हमारा भारत विकास करेगा और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। आज जब अच्छे लोग नहीं आते, सिर्फ उन्हें कुर्सी चाहिए तो वो सही फैसले भी नहीं कर पाते। आज बहुत ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग, एक धर्म, और कम से कम हम बच्चे पैदा करें। आज हम जो भी विकास करते हैं, ये अधिक पैदावार सब कुछ हजम कर जाती है और हम फिर उसी चौराहे पे आकर खड़े हो जाते हैं। सरकार उनको पालती है, जबकि सरकार उनसे सख्ती से पेश आए। एक कानून और एक देश से ही हम विकास कर सकते हैं। धर्म और जाति ये हमारी अंदर की चीज़ है, इसको लोग मनाएं, लेकिन जहाँ देश इसकी बात है वो सर्वोपरि है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जनता मालिक है, जनता को चाहिए कि बिना लालच के, बिना जाति पात के, बिना धर्म के अच्छे लोगों को खड़ा करें और अच्छे लोगों को जिताए, तभी हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं, तभी हम विकास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।